वालेकुम। आज हम आपके लिए मज़ेदार सा दाल गोश्त लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, दाल गोश्त में सबसे पहले हमने यहाँ पे डाली दो डुंगिया तेल। यहाँ मैंने प्याज ले ली है, दो बड़ी ले लें या फिर आप तीन छोटी ले लें, और तकरीबन मसाला बनाने के लिए होती है। और ज़्यादा भी आपने इसको नहीं लेना प्याज को, वरना सारी आपकी ये मीठी मीठी बनेगी। जब आपकी प्याज थोड़ी थोड़ी ब्राउन होना शुरू हो जाए तो साथ ही आप इसमें दो बड़ी इलायची डालें। बड़ी यहाँ पे आप गोश्त डालें। मैंने यहाँ पे बकरे का गोश्त लिया है, आप गाय का भी यूज़ कर सकते हैं और चिकन भी। देखेंगे जब सी वाइट होना शुरू हो जाए तो अब हम इसके अंदर डालेंगे दो चमचे लहसुन अदरक के पेस्ट के। दो चमचे मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट के इसमें डाल दिए। ये दो चमचे डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम एक दो मिनट हो जाएंगे तो जब हम इसके अंदर फिर डालेंगे, ये मैंने डाली है 1/4 चम्मच हल्दी का, और यहाँ पे मैंने डाल दिए 1.5 चम्मच लाल मिर्चों का डाल दूंगी। मैंने ज़ीरा कूट के रख लिया था, इसको मैं डाल दूंगी साबुत ना डालिए का। थोड़ा सा साथ ही मैं इसके डाल दूंगी नमक, साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हम पानी भी डालते रहेंगे। पानी हमने इसलिए डाला था, अब हम नमक डाल रहे हैं। पानी इसलिए डाला था कि ये नीचे ना लगे। अब हंसते जाकर आप नमक डाल दें, और अब हमने इतना पानी डाला कि गोश्त गल जाए। अगर आप कुकर में डाल रहे हैं यानी कुकर बंद करके डालेंगे तो आप गोश्त पानी ज़्यादा ना लीजिएगा, और अगर आप खोल के पका रहे हैं तो आप पानी देख लीजिएगा गोश्त के मुताबिक। चिकन है तो कम और मटन है तो ज़्यादा। और अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट देखेंगे, वरना तो हम 20 से 25 मिनट भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, जब गोश्त गल जाता है तो मिलते हैं आपसे। हमारे हो चुका है थोड़ा टाइम, और हम इसमें डाल देंगे साथ ही टमाटर। देखिए टमाटर गल चुके हैं, और मैंने यहाँ पे लाल वाली दाल भिगो के रखी हुई थी ऑलमोस्ट, ये तकरीबन मैंने आधा एक घंटा भिगो दी है। आप ही आधा एक घंटा भिगो दें। तकरीबन मैंने 1 से 2 कप इसमें दाल भिगोई भी डाली है। अब इसके अंदर हम इतना पानी डालेंगे कि ये दाल हमारी गल जाए। थोड़ा सा और पानी हम डाल देंगे। याद रखिएगा दाल में पानी और यखनी जब हम बनाएं बार बार पानी इसमें ना डालें। और जो है इसको तकरीबन हम थोड़ा सा खोल के पकाएंगे ताकि दाल गिरे ना और अच्छे से पक जाए। तो चलें जी, हम दाल के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। देखिए और ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें, ये गोश्त भी हमारा परफेक्टली गला हुआ है और ये दाल भी। अब हम इसमें डालेंगे, ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया, और ये देखें अब हम इसे मिक्स करके चूल्हा बंद कर देंगे तकरीबन। फौरन ही ये लीजिए हमारा झटपट सा तैयार है मज़ेदार सा दाल गोश्त। सबके साथ ट्राई कीजिए और इंशाल्लाह मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसे लगे आपको ये मेरी आज की होममेड घर की रेसिपी। आप इसमें हरा धनिया गार्निश करके डाल सकते हैं, पुदीना भी। और जो है इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।